रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अयोध्या से सीधे तस्वीरें आपको न्यूज 18 राजस्थान दिखा रहा है। यूपी से, यूपी के अयोध्या में, रामनगरी में भजन सरकार की, पूरा दल भजन सरकार का वो अयोध्या पहुंच चुका है। दर्शक कुंड धर्मवाला की ये तस्वीरें आपको इस समय दिख रही हैं। सीएम के साथ पूरी कैबिनेट मौजूद है और जैसे ही आगमन हुआ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का और उनके साथ पूरी कैबिनेट का, उनका जोरदार स्वागत। कैमरा यानी कि मीडिया के कैमरों की तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन साथ में लोगों का उत्साह भी देखिए। और इस जरिए बीजेपी अपने हिंदुत्व के एक पूरे एजेंडे को लोकसभा चुनाव में भुलाने की भी कोशिश कर रही है, क्योंकि जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं, इसके पहले हमने देखा मध्य प्रदेश के भजन यादव अपने पूरे कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचे थे, रामलला के दर्शन किए, बकायदा रुके, और अब राजस्थान से मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार अपने कैबिनेट के साथ आज अयोध्या नगरी, रामलला की नगरी पहुंचे हैं। बता दें कि 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। 5 साल के भव्य स्वरूप में, सामने रंग में रामलला विराजमान किए थे अपने उसी जगह पर जहां से उनको हटाया गया था। तो आप बता दें कि अब आज राजस्थान से मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार और उनकी कैबिनेट, जहां पर उन्होंने प्राइवेट जेट, 2 प्राइवेट जेट का बंदोबस्त केंद्र सरकार की तरफ से किया गया ताकि पूरी कैबिनेट आ सके भजन लाल सरकार की, भजन सरकार की राम भक्ति की तस्वीरें आपको उत्तर प्रदेश के अयोध्या से दिख रही हैं। पूरा कैबिनेट साथ में मौजूद है, 57 बीजेपी, 4 निर्दलीय नेता भी साथ में, कैबिनेट मंत्री, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी साथ में मौजूद हैं, सीएस सुधांशु पंत, एसीएस, तमाम लोग। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि ये अयोध्या की सीधे तस्वीरें आपको मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार की दिख रही है। और आप ये भी देख सकते हैं कि अयोध्या, इस खबर पर हमारे संवाददाता बाबूलाल जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, अयोध्या की नगरी पर भजन सरकार की पूरी कैबिनेट पहुंच चुकी है, कैसा बड़ा मैसेज देने की कोशिश आज की जा रही है बीजेपी की तरफ से, राजस्थान की तरफ से? जी देखिए, शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, वो इस वक्त पहुंच गए हैं। हाँ। और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी भी इस वक्त यहां पर पहुंच गए हैं, उन्हीं से बात करते हैं। और सरकार के जो मंत्री हैं वो भी पहुंच गए हैं, सांसद हैं वो भी पहुंच गए हैं, तो बहुत ही खुशी का मौका है और ये खुशी दुगनी होती हुई इस वक्त। और कैलाश चौधरी से बात करेंगे और जानेंगे कि मदन दिलावर जी मेरे साथ में, मदन जी कितना खुशी का मौका है अयोध्या में, और वो भी माहेश्वरी भवन का शिलान्यास हो रहा है, दोबारा दोबारा शिलान्यास समारोह हो रहा है एक बड़ा। दोबारा पूछो, मेरी समझ में नहीं आया। और अब देखिएगा कि शिलान्यास का कार्यक्रम होने जा रहा है और ये माहेश्वरी सेवा सदन की, देश भर में कई जगह पर इस तरह की धर्मशालाएं हैं, विश्राम स्थलियां हैं। हाँ। और इसी कड़ी में अयोध्या में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग अब बनने जा रही है, 200 करोड़ रुपए इस पर खर्च होगा, जिसमें कोई जाति बंधन नहीं होगा। हाँ। देश प्रदेश के कहीं के भी श्रद्धालु जो यहां पर अयोध्या में आएंगे वो यहां पर ठहरेंगे और किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना उनको नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही खुशी का मौका है, न केवल माहेश्वरी समाज के लिए बल्कि राजस्थान से जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए भी खुशी और गर्व का मौका। मेरे साथ में विजय सिंह चौधरी हैं जो कि मंत्री हैं अभी राजस्थान की सरकार में। विजय सिंह जी, बड़ी धर्मशाला बनने जा रही है और राम, भगवान राम की धरती पर आपने कदम रखा, किस तरह से महसूस किया आपने? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना वादा निभा के राम लीला मंदिर का निर्माण करवाया और आज हमें सौभाग्य प्राप्त, हम दर्शन करने आए हैं। आज सभी जो हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे विधायक मंत्रिमंडल के सदस्य यहाँ आए हैं और दर्शन प्राप्त करेंगे राम जी की लीला का, बड़ी खुशी का मौका है। मंत्री अविनाश गहलोत हमारे साथ। अविनाश जी, बहुत खुशी का मौका, भगवान राम की धरती पर आज आपने कदम रखे हैं। देखिए, वाकई बड़ा सौभाग्य का दिन है और मैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने हमें ये शुभ अवसर दिया है। राजस्थान का पूरा मंत्री परिषद आज अयोध्या पवित्र धाम के दर्शन करने के लिए आया है। हमारे जीवन का जो एक सपना था वो पूरा हो गया। वाकई एक ऐसा फील होता है कि क्या 500 साल का इतिहास जो था वो यही दोहराया गया था। मैं सोचता हूँ मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। मंत्री सुमित गोदारा जी, आप क्या सोचते हैं, किस तरह की फीलिंग, किस तरह का वाइब्रेशन महसूस किया आपने जब आपने अयोध्या में पहला कदम रखा? अभूतपूर्व एहसास हो रहा है,
कितने सालों से जो राम मंदिर की बात थी और राम मंदिर का दर्शन करने आए हैं, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ अयोध्या, तो बड़ा मुझे खुशी की अनुभूति है और सबको गर्व का अनुभव है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वादे किए वो वादे पूरे किए और राम मंदिर का निर्माण जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पूरा हुआ, ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है और इस ऐतिहासिक क्षण को मैं आज हम जो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम सारा पूरा विधायक दल और सब आए हैं तो बड़ी और उसके साथ खुशी और ही दुगनी हुई है इसके साथ। बहुत खुश है राजस्थान सरकार के मंत्री, मंत्री हीरालाल नागर किन शब्दों में बयां करेंगे इस लम्हे को? देखिए, जो रामलला एक टेंट में हुआ करते थे, आज हम राम मंदिर बनने के बाद पहली बार उस भव्य राम मंदिर के दर्शन करने के लिए आए, मन में बड़ी खुशी है और अपार श्रद्धा भी है और जिस राम मंदिर के रामलला को हमने टेंट में देखा था वो आज इस भव्य मंदिर में देख करके निश्चित रूप से एक अपार खुशी भी हो रही है और जिस तरह का यहाँ स्वागत और सत्कार हो रहा है उससे भी मैं बहुत बहुत अभिभूत हूँ। अभिभूत है, माहेश्वरी समाज बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहा है और इनकी जो धर्मशाला है वो पुष्कर में भी है और अब अयोध्या में भी हो जाएगी, तो पुष्कर के जो विधायक जी हैं, जो जल संसाधन के मंत्री राजस्थान के, उनके लिए तो बहुत अच्छा हो गया, जो श्रद्धालु पुष्कर जाएंगे अयोध्या भी आने के लिए उनको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा रहने ठहरने का। देखिए, माहेश्वरी सेवा सदन के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पुष्कर में तो इनकी मुख्य ब्रांच है ही है, पूरे भारतवर्ष में भी कई जगह इन्होंने लोगों को रहने के लिए सुविधा विकसित की है। हमारे अयोध्या के अंदर भी इन्होंने एक भव्य भवन का शिलान्यास की नींव रख रहे हैं, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कितनी खुशी हुई भगवान राम की धरती पर आप आए हैं, एक दौर था जब रामलला टेंट में रहते थे, मंदिर के लिए बहुत संघर्ष किया, आप लोगों ने विकास सेवा करी होगी, यहाँ पर आए होंगे और आज जब मंदिर बनकर तैयार हो गया और ये जो अभूतपूर्व स्वागत आप लोगों का हो रहा है उसे किस तरह देखते हैं आप? देखिए, हमारा परम सौभाग्य है कि 500 साल बाद भगवान श्री रामलला जी अपने स्थान पर विराजित हुए, ये हमारा सौभाग्य की बात है कि हम आंखों से आज देख रहे हैं। और पूर्व केंद्रीय मंत्री और पाली के सांसद और वर्तमान में पाली से बीजेपी के उम्मीदवार पीपी चौधरी जी, आपने तो अधिवक्ता के तौर पर भी बहुत काम किया राम मंदिर का जो मामला था उसको सुलझाने में, किस तरह से आज आप इस दिन को देख रहे हैं? देखिए, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन और बहुत ही शुभ दिन, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे यहाँ पर रामलला के दर्शन करने के हमारे मुख्यमंत्री जी की पूरी टीम के साथ ये मौका मिला है। मैं बहुत गदगद हूँ और मैं पूरे पाली वासियों की, जो भगवान राम हमें पूरे को पूरे पाली लोकसभा क्षेत्र के हमारे सभी भाइयों को बहनों को उनको पूरा आशीर्वाद मिले और आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में खूब विकास हो। आप प्रत्याशी भी हैं पाली लोकसभा सीट से, उम्मीद पूरी है कि रामलला का आशीर्वाद मिलेगा, फिर से जीतेंगे, हैट्रिक बनेगी आपकी भी? देखिए, रामलला का आशीर्वाद तो पूरे देश पे नहीं पूरी दुनिया पे है, ये अपने आप में बड़ी बात है। रामलला का आशीर्वाद सिर्फ पाली लोकसभा नहीं पूरे पूरे देश पे है और प्रधानमंत्री मोदी जी पे भी आशीर्वाद है। बहुत बहुत शुक्रिया। भराराम सियोल ओसिया के विधायक भराराम जी, किस तरह से आज भगवान राम की धरती पर आने के बाद आप चीजों को महसूस कर रहे हैं, एक सपना सच हो गया आप लोगों का, कितनी खुशी हो रही है? देखिए, ये तो 550 सालों का संघर्ष है और फिर इसके अंदर जो है सबसे बड़ी बात है, ये हमारा अपना मंदिर है, हमने सबने मिलकर बनाया है, पूरे भारत का मंदिर है, पूरी आध्यात्मिक सनातन संस्कृति का मंदिर है। इस मंदिर में हम सबका हिस्सा है, प्रभु श्री राम हमारे हैं और हम प्रभु श्री राम के हैं, यही भाव है हमारा सबसे बड़ा। केसराम चौधरी मारवाड़ जंक्शन के विधायक, क्या कैसा लग रहा है केसराम जी? आज हमें इतना स्वाभिमान हो रहा है कि हमने 31 साल पहले ये ढांचा गिराया था और आज ये वापस भगवान राम के दर्शन करने के लिए मौका मिला है। हम बड़े सौभाग्यशाली है कि 31 साल बाद आज हमें पुनः अयोध्या में राम विराजमान होकर के पहली बार दर्शन करने का मौका मिल रहा है, हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। पूरी भजनलाल सरकार खुद को सौभाग्यशाली मान रही है। मंत्री ओटाराम देवासी महाराज श्री, कितनी खुशी है, एक आपका भी सपना हो था कि भगवान का मंदिर बने तो मैं भी दर्शन करने को जाऊं, आज पूरी सरकार के साथ सीएम साहब के साथ आए आप यहाँ। मैं धन्यवाद समझता हूँ कि जिस तरह से सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में कई सालों का जो हमारा मामला था उसको सुलटा करके राम मंदिर का निर्माण किया, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ और हमारे मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ जिन्होंने मुझे अयोध्या में दर्शन कराए, इसलिए मैं पूरी इस पावन भूमि पर आने का समय मिला, इसके लिए धन्यवाद। नगर परिषद हमारे साथ में
मंत्री मदन दिलावर साहब, आपने बड़ी साधना की थी मंदिर के लिए, बड़ी तपस्या करी आपने भी। मैंने आपको देखा है कि आप सालों तक खाट पर नहीं सोते थे कि जब तक रामलला का मंदिर नहीं बन जाएगा मदन दिलावर जमीन पर लेटेगा। आज वही मदन दिलावर जब अयोध्या में मंत्री बन करके आए हैं और रामलला का भव्य मंदिर वहां पर बन गया है, रामलला विराजमान हो गए, कितनी खुशी है आपको? मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कोई हो नहीं सकती है कि रामलला 500 वर्षों के बाद भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं और आज हम उनके दर्शन करने वाले हैं। बहुत लंबा संघर्ष था, आप भी कई बार कार सेवा के लिए आए, बहुत झगड़े फसाद हुए, कई लोगों को जान देनी पड़ी भगवान राम के लिए, कईयों ने अपने आप को न्योछावर कर दिया, कैसे उस संघर्ष को किन शब्दों में बयां करेंगे? वो जबरदस्त संघर्ष था, सरयू के तट पर, सरयू के पुल पर जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ, इधर दूसरी साइड में गोलियां चली, कार सेवकों की हत्या की गई, लोग क्राहे मानते, सरयू में लोगों को फेंक दिया गया, वो दर्दनाक दृश्य आप सब लोगों के साथ में, कार्यकर्ताओं के साथ में मैंने भी देखा है, जो दर्दनाक था, और उसका प्रतिफल ये हुआ कि आज भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा हो, उसके दर्शन करने वाला है। माहेश्वरी समाज ने जैसे आप आए हैं आपका भव्य स्वागत किया है, किन शब्दों में बयां करेंगे इस स्वागत को, इस सत्कार को? ये स्वागत भी बहुत ही ऐतिहासिक है, जबरदस्त स्वागत हो रहा है। मैं माहेश्वरी समाज का आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने का राजस्थान के मंत्रिमंडल का, राजस्थान के तो अब थोड़ी देर बाद में जो है शिलान्यास होने जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री मदनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, मदनलाल सरकार के मंत्री, विधायक, पदाधिकारी और जो अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर माहेश्वरी समाज के बीच में आपको नजर आएंगे। और तो एक बड़ा बड़ा खुशी का मौका है और इस खुशी में सब शरीक होने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, तो इस खुशी को जो है वो किस तरह से महसूस, यानी कभी नहीं भूलने वाली खुशी है। हमारे साथ में सीपी जोशी भी जुड़ेंगे कुछ ही देर में और उनसे हम जानेंगे। सीपी जोशी जी, बड़ा ऐतिहासिक मौका, पूरी की पूरी सरकार और आपके नेतृत्व में पहुंची है क्योंकि आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कितना खुश हो रहे होंगे आज आप? देखिए, बहुत खुशी है कि बचपन से और मुझसे पहले से सुनते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और वो सपने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस काम को भी पूरा होते हुए देखा है। और न सिर्फ बातें और न सिर्फ घोषणाएं, बल्कि दिव्य और भव्य मंदिर का शिलालेख भी, शिला पूजन भी मोदी जी के नेतृत्व में उसके उनकी अगुवाई में हुआ, उनको सौभाग्य मिला। और ये भी सौभाग्य है कि प्रभु श्री राम ने भी उन जैसे पात्र को चुना कि उन्हीं के हाथों शिलालेख रखा गया और उन्हीं के हाथों प्रभु श्री राम लला की मूर्ति दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान हुई। तो निश्चित रूप से कहीं की पुण्याई है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, जो आज बरसों पुराना सपना पूरा होते हम लोग देख रहे हैं। और राजस्थान के आज सभी लोग, सत्ता के लोग, संगठन के लोग, सब मिलकर आज प्रभु श्री राम लला के दर्शन करना है। सीपी साहब, आपने वो दौर भी देखा है अच्छे से कि जिस दौर में संघर्ष का कालखंड था, लंबा संघर्ष चल रहा था और संघर्ष को विराम मिला, और आज इस दौर को भी आप देख रहे हैं कि जिस दौर में आपके चित्तौड़ से क्या, बाड़मेर से क्या, जैसलमेर से क्या, पूरे राजस्थान के कोने कोने से यहाँ पर कार सेवक आते थे और बहुत लंबा संघर्ष के कई की तो जाने गई में प्रभु श्री राम लला का मंदिर बने और इस विवादित स्थल पर आप देखें कि किस प्रकार से अवशेष से मंदिर के, लेकिन कहीं कहीं रोड़ा अटकाया जा रहा था सरकारों के माध्यम से और किसी माध्यम से, लेकिन जब प्रभु श्री राम लला इसके लिए एक उचित पात्र को चुनते हैं मोदी जी को, और सब कुछ अच्छा हो जाता है। और ये वास्तव में मैं अपने आप में सोचता हूँ कि ये भी कोई न कोई ईश्वरीय शक्ति है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सब कुछ जो असंभव लग रहा था वो भी उनके नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में संभव हो पाया, और आज दिव्य और भव्य मंदिर अयोध्या में बना है और देश दुनिया के लोग यहाँ दर्शन करने के लिए। जो भी टास्क आपको मिलती है आप उसको पूरा करते हैं, और क्या आपको लगता है कि 25 सीटें जीतनी है
तो एक बार फिर से रामलला का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा, क्योंकि विधानसभा का चुनाव आपके नेतृत्व में पार्टी ने जीता है, तो आपको लगता है एक और खुशी का मौका मिलेगा आपको जब सारी की सारी सीटें जीत जाएगी पार्टी? नहीं नहीं, पार्टी के जनप्रतिनिधि नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, प्रदेश की जनता ने तय कर लिया कि हमने राजस्थान में फिर से 25 के 25 कमल खिलाने हैं और फिर एक बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी जी को फिर से प्रधान सेवक के रूप में देखना है। रामलला का आशीर्वाद रहेगा पूरा निश्चित रूप से। तो जैसा आपने देखा कि जो बीजेपी के नेता हैं वो बड़े उत्साहित हैं और भाव विभोर भी, क्योंकि बहुत लंबे संघर्ष के बाद में ये खुशी का मौका आया है, तो इस मौके को यादगार बनाने की तमाम कोशिशें हैं और इसी कड़ी में आज जो है पूरी की पूरी सरकार यहाँ पर पहुंची है, तमाम नेताओं के साथ में, तमाम बड़े अधिकारियों के साथ में और मुख्यमंत्री के साथ में, उनके जो कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो एक बहुत ही ऐसा मौका जिसको कभी नहीं बुलाया जा पाएगा, और इसी कड़ी में सबसे पहला जो कार्यक्रम हाथ में लिया गया है वो माहेश्वरी भवन के शिलान्यास के कार्यक्रम का है, जहां पर आपने देखा कि किस तरह से जो माहेश्वरी बंधु हैं उन्होंने सरकार का स्वागत किया, पलक पावड़े बिछाए, और अब जब शिलान्यास होगा तो उसमें कई और गणमान्य जो नेता हैं वो उसमें शामिल होंगे। ओम बिरला थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं, उनका इंतजार यहाँ पर होता हुआ। तो एक बहुत बड़ी बात यह है कि जो नेता यहाँ पर आते थे संघर्ष के दौर में, वो आज यहाँ पर बड़े गर्व के साथ में रामलला के दर्शन करने के लिए आए हैं, और पूरी की पूरी सरकार एक बार फिर से लोकसभा में पूरी की पूरी 25 सीटें जिताने के लिए भी राम मंदिर में जाएगी और भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करेगी, कि जिस तरह से मदनलाल सरकार बनी है पूर्ण बहुमत की, बिना किसी को नेता डिक्लेयर किए हुए और सिर्फ तो उसी कड़ी में जो है तमाम जो चीजें हैं। बाबूलाल, बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बाबूलाल ये दशरथ कुंड की ओर से आयोजित जो सरस्वती देवी शिव किशन धम्मानी भवन की भूमि पूजन है वो कितनी देर में प्रारंभ होगी, जिसका शिलान्यास समारोह में भी कैबिनेट पूरा शामिल होगा? यहाँ पर यहाँ जो निर्माण होगा उसे तीर्थ क्षेत्र में आने वाले धर्मावलंबियों को भी कितनी बड़ी सहूलियत होगी? राज अयोध्या की भूमि की महत्ता अब निरंतर बढ़ती जाने वाली है, और इसलिए आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने अपेक्षा भी नहीं की थी, इस प्रकार दर्शनार्थियों के रेले अभी भी चालू है और यह क्रम चलता रहेगा। ऐसी स्थिति में हम लोगों को दुख इस बात का रहा है कि अयोध्या में लोगों के निवास की व्यवस्था हम पर्याप्त नहीं कर पा रहे थे, यह स्वाभाविक था, और ऐसी स्थिति में हम उन सब लोगों के आभारी हैं जो लोग यहाँ पर निवास की व्यवस्था बना रहे हैं। अब इन व्यवस्थाओं में माहेश्वरी समाज की ओर से एक अत्यंत विशाल भवन बन रहा है, जिसके सबसे श्रेष्ठ दानदाता श्रीमान राधा किशन जी धम्मानी यहाँ पर विराजमान हैं। ऐसे भामाशाहों के बल पर ही महान कार्य होते हैं, और अयोध्या में तो निवास के स्थानों की अत्यंत कमी है, आपको याद होगा, इसलिए हम लोग बोल रहे थे कि 22 जनवरी को मत आइए, क्योंकि हम व्यवस्था कैसे कर पाएंगे। लेकिन अब हमें विश्वास है कि जब इस प्रकार के दानदाता आगे आते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के समाज अपना अपना कर्तव्य निभाते हुए यहाँ पर निवास के लिए स्थान बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारी अयोध्या आज जितनी चमक रही है उसे 100 गुना अधिक चमकेगी, और सबका विकास करते करते विरासत का संरक्षण भी इसमें होगा। जिस दिन 22 तारीख को शिलान्यास हुआ उस दिन हम आपको टीवी पर सुन रहे थे प्रधानमंत्री जी के लिए, आप कह रहे थे कि इन्होंने सारे व्रत नियम का पालन किया, लेकिन आपके लिए भी जो जिम्मेदारी दी गई आपको कोषाध्यक्ष की वो बहुत महत्वपूर्ण थी। आपने कहा कि मैं तो 1000 रुपए का हिसाब नहीं कर पाता और मुझे इतने बड़े पैसे का हिसाब समझ। ये राम जी की ही कृपा है, राम जी जो चाहे करवा लेते हैं, मेरे पास कुछ है नहीं और न हिसाब किताब रखना मेरा काम है, न मैं उसको जानता भी हूँ, लेकिन भगवान ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा की है कि बहुत अच्छे अच्छे लोगों को मेरे साथ जोड़ दिया है, और ऐसे विश्वसनीय लोग उसकी देखभाल उत्तम रीति से कर रहे हैं, और इसलिए हम देख रहे हैं कि भगवान राम जी के विराजमान होने के पश्चात इधर अयोध्या भी चमक रही है, और उधर राम मंदिर के लिए भी जो दान आ रहा है वह सब लोग चकित है देखते हुए। 1 महीने का दान 52 करोड़ से अधिक था, केवल
केवल 22 जनवरी का जो जय श्री राम केवल 22 जनवरी का एक दिन का चढ़ावा 6 करोड़ रुपयों था। और यह मैं आपको हमारे कोष के सब जो खजांची है उनसे आंकड़े लेकर के बोल रहा हूँ। तो ध्यान में लीजिए कि इस प्रकार लोगों के भीतर जो श्रद्धा का सैलाब खड़ा हुआ है यह दिखाता है कि हमारे देश का भवितव्य बदलने वाला है और यह भवितव्य बदलते बदलते राम राज्य के निर्माण तक हमें पहुंचाने वाला है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु कृपा रही, प्रभु ने आई आशीर्वाद दिया समाज के लिए काम करने का, यही बहुत है। और अब आपको हम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर वो अयोध्या के दौरे पर हैं और परिवार के साथ ट्रेन से ओम बिरला अयोध्या जंक्शन पहुंचे जहां उनका स्थानीय विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने स्वागत किया। तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी पहुंचे हैं पूरे परिवार के साथ। ओम बिरला ट्रेन से अयोध्या जंक्शन पहुंचे, ये तस्वीरें भी दूसरी तस्वीरें भी आपको दिख रही हैं अयोध्या जंक्शन की। और एक तरफ जहां मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और उनका पूरा कैबिनेट आज अयोध्या नगरी में प्रवेश किया है रामलला के दर्शन करने के लिए, तो वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी अपने परिवार के साथ अयोध्या जंक्शन पहुंचे, ट्रेन के साथ सफर किया और अयोध्या की पावन धरती पर उन्होंने अपने कदम रखे और उनका भव्य स्वागत स्थानीय विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने उनका स्वागत किया। ट्रेन की वो जंक्शन की वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं अयोध्या जंक्शन की, जब अपने पूरे परिवार के साथ ट्रेन का सफर तय करके पहुंचे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। और यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।